चाहूंगा अरुण राय सर को कि आप आए और आज हमारे इस जुड़ा संसद कार्यक्रम पर दो शब्द हमारे बच्चों को प्रस्तुत करें। युवा संसद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, युवा हृदय सम्राट, धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी, कोयलांचल विश्वविद्यालय विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय माननीय कुलपति पीके पोदार साहब, डॉक्टर अजीत कुमार जी, डॉक्टर पुष्पा जी मंच के संचालनकर्ता, डॉक्टर मुकुंद सर नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी, रवि मिश्रा जी मंचासीन अतिथिगण, इस विद्यालय के शिक्षकगण एवं सभागार में उपस्थित युवा साथियों, युवा संसद कार्यक्रम में आप सबों की उपस्थिति को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि निज देश की रक्षा का सब भार तुम्हीं पर, निज धर्म की रक्षा का सब दार तुम्हीं पर, निज देश की रक्षा का सब भार तुम्हीं पर, निज धर्म की रक्षा का सब दार तुम्हीं पर, इकरार तुम्हीं पर है तो इनकार तुम्हीं पर, रियाया तुम्हीं पर है तो सरकार तुम्हीं पर। युवा साथियों, नेहरू युवा केंद्र प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पड़ोस युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल हुए हैं। हम जानते हैं कि युवा किसी भी देश का रीढ़ होता है। जिस प्रकार शरीर में यदि रीढ़ की कमी हो, रीढ़ टूट जाए तो शरीर का कोई औचित्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार युवा शक्ति है। राष्ट्र में युवा के अलावा युवा विहीन यदि राष्ट्र हो तो राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं, इसलिए युवा शक्ति को रीढ़ की हड्डी कहा गया है। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, मैंने एक शब्द कहा राष्ट्र निर्माण, यह विषय समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण यानी युवा कोई नया राष्ट्र बनाना नहीं चाहता, हम कोई नया राष्ट्र बनाने की परिकल्पना नहीं किया। राष्ट्र निर्माण का मतलब यह हुआ राष्ट्र पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका, राष्ट्र के अंदर जो विकृतियां आई हैं उस विकृतियों को समाप्त कर पुनर जो हमारा राष्ट्र कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था वह सोने का चिड़िया बनाने का काम हम राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम युवाओं के माध्यम से करना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण यह राष्ट्र आज से नहीं, यह राष्ट्र सदियों से है। जब विक्रमादित्य का राज्य था थोड़ा सा विषय समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र और राज्य यह दो विषय है, राष्ट्र और राज्य दो विषय है। राष्ट्र सदियों से था और है और रहेगा, किंतु राज्य परिवर्तनशील है। यह राष्ट्र राजा विक्रमादित्य के समय भी था,
आजाद हुए तो कांग्रेस का शासन आया, उस समय भी था। और यह राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी चल रहा है और यह राष्ट्र कल भी रहेगा। किंतु राज्य परिवर्तनशील है। कभी विक्रमादित्य का राज था, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी कांग्रेस आया, कभी भाजपा आया। यह परिवर्तनशील है, यह चलता रहता है। युवाओं की अहम भूमिका है कि हमारे राष्ट्र के अंदर जो विकृतियां हैं उस विकृतियों को समाप्त करने का, विकृतियों को दूर कर राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का। यह पुनर्निर्माण हम कैसे कर सके? पुनर्निर्माण करने के लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण, जैसे मैं एक तारों स्वरूप में रखना चाहूंगा, जब हम माँ काली का पूजा करते हैं, माँ भगवती का पूजा करते हैं, और पूजा करने के लिए जब हम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाते हैं, तो अड़हुल का सबसे सुंदर फूल, जो आज का ताजा फूल होता है, उस फूल को तोड़ने का काम करते हैं। कर का खिला फूल नहीं तोड़ते, जो मुरझाया फूल होता है उस फूल को नहीं तोड़ते, जो आज का ताजा फूल होता है उसको तोड़ते हैं और माँ की चरणों में समर्पित करते हैं। जो कवि होता है वो सुंदर कविता राष्ट्र को समर्पित करता है, जो लेखक होता है वो सुंदर लेख राष्ट्र को समर्पित करता है, जो गीतकार होता है वो सुंदर गीत राष्ट्र को समर्पित करता है, और जो युवा शक्ति होती है, जो युवा शक्ति है वो अपने आप को राष्ट्र को समर्पित करता है। राष्ट्र के प्रति समर्पण, यह युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। तभी हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकते, तभी राष्ट्र को हम विश्व गुरु बना सकते। विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं को तीन बातों की आवश्यकता है। यदि हम युवा शक्ति तीन बात को आत्मसात कर ले तो इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, युवाओं के अंदर युवा अपने ज्ञान बुद्धि बुद्धि का विकास, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। युवा शक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। दूसरा, अपने धर्म शक्ति का विस्तार करना चाहिए। और तीसरा, समय देना चाहिए। जब आप समय देंगे, आपके अंदर धर्म शक्ति का जागरण होगा। जब ज्ञान आप हासिल करेंगे, जब ये तीन बातों को जब आत्मसात कर लेंगे, तो इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके दिल में दर्द है दुनिया का, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं। जो मिटाते हैं खुद को जीते भी, वही मरकर भी जिंदा रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।